नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे किसान हुकुम सिंह हरिवंश चरण सिंह ने बताया कि फसल विभाग योजना के तहत गेहूँ व सरसों की फसल का बीमा करवाया हुआ है। प्राकृतिक आपदा के चलते बारिश व ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई। फसल खराब होने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फसल बीमा योजना के फार्म भी भर दिया गया है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी फार्म को जमा नहीं कर रहे हैं। कृषि अधिकारी बैंक से पोर्टल नंबर लेने की बात कर रहे हैं, जबकि बैंक अधिकारी पोर्टल नंबर नहीं दे रहे हैं। किसान ने बताया कि अगर आज उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ तो उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान ने बताया कि फसल बीमा योजना की किस्तें बीमा कंपनी को जमा करा दी गई हैं, उसके बावजूद भी किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यू आ रही जी, वो की उन्हें न दे रहे जी डॉक्यूमेंट पूरे बैंक वाले। 3 बार हो जाए जी ये पर्ची से बना के दे दिए, और जो यहाँ काम आ रही है वो आ देना रहे। मुझे जी फसल खराब होगी जी मेरी, उसके लिए अधिकारी ये कह रहे हैं जी बोला अपना पूरा फार्म भर के वोटर नंबर, वो जो वोटर नंबर है जी वो भर के सिंडिकेट जी। ये मुलाजिम ये कह रहे हैं जी कि यहाँ उसका पोर्टल नंबर लेकर और डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले दे नहीं रहे। हमारा जो पिन भी है वो पूरा पहुंच चुका है कंपनी के पास, सिंडिकेट को नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं सर्वर काम नहीं कर रहे और फील्ड ऑफिसर नहीं है। यहाँ कह रहे हैं जमीन की फर्द लाओ, 1000 रुपए में फर्द निकलेगी, और वो कोई पोस्टल कही है आईडी कही है इंश्योरेंस कंपनी की, ना तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है हमारे पास ना इसमें स्टेटमेंट लाए बैंक की, इसमें कोई नाम ही नहीं है कंपनी का। पैसे कट रहे खाली, कोई लाभ नहीं है, पैसे नहीं मिलते। 5 साल से करा रहे लगातार, आज तक कोई पैसा मिला नहीं है हमें तो। ठीक तो कहा लगी जब कुछ फायदा ही नहीं है सरकार की योजना से, धक्के खा रहे हैं भैया। नहीं तो पैसे न कटवा में बीमा ना करा में तो बढ़िया, पैसे कटेंगे तो नहीं खाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में फसल बीमा योजना के जिला परियोजन अधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि फसल बीमा योजना का फॉर्म जमा करने की मंगलवार को अंतिम तारीख है। एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक की आईडी लगाना अनिवार्य है। बैंक की आईडी के बगैर किसानों का फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक आईडी के बगैर बीमा कंपनी किसान की फसल का सर्वे नहीं करेगी। पहले से फॉर्म में लिखा हुआ, फॉर्म में प्रिंटेड है, सर्वे नहीं होगा, कंपनी सर्वे ही नहीं करेगी। कंपनी तो उसी से मानेगी बीमा हुआ है। जो बैंक ने पैसे काटे हैं और वो कंपनी को भेजे हैं वही किसान की आईडी बनती है। बैंक ने पैसे काट लिए बीमा के, जब तक कंपनी को नहीं भेजेंगे तो उसका बीमा कैसे होगा? 72 घंटे नहीं होगा उसके बाद। अब तक की खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।